हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर RDx ऑटो स्टाइलिंग में आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जो आपको मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सोशली हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि बेस्ट सेलिंग मॉडल है मारुति का, इसके NCAP के टेस्ट रिजल्ट्स, सेफ्टी टेस्ट रिजल्ट सामने आए हैं। और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं इसको इस टॉपिक को फॉलो किया, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इंडियन मेड स्विफ्ट, जो इंडियन मार्केट के लिए सप्लाई की जाती है, विद टू एयर बैग्स, विद ABS, विद EBD, हैज़ स्कोर्ड जस्ट 2 स्टार्स। उसको सिर्फ सेफ्टी में 2 स्टार मिले हैं, जबकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक ब्रेज़ा का टेस्ट हुआ था, उसमें 4 स्टार उसको मिला था। और स्विफ्ट जैसी गाड़ी जिसको हार्टेक प्लेटफॉर्म अभी मिला है और काफ़ी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म बोला जाता है, बहुत सेफ प्लेटफॉर्म बोला जाता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई स्विफ्ट अगर सेफ्टी में फ्रंट ऑक्यूपेंट्स, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए अगर 2 स्टार रेटिंग लेती है और चाइल्ड सेफ्टी में भी 2 स्टार लेती है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। इंडिया में एज अ कंज्यूमर हम लोगों को इस चीज़ को रिएक्ट करना चाहिए। अगर एक गाड़ी का बिल्ट इतना लो क्वालिटी का है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो मेरे ख्याल से ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर प्रेशर डालें कि वो ऐसा ना करें, इन गाड़ियों को सेफ बनाएं। लाइफ इज़ नॉट चीप, हिंदुस्तानियों की लाइफ को इतना चीप ना समझें। और हैरानी की बात है कि यही स्विफ्ट जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में बनाकर यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, उसको 3 और 4 स्टार मिलता है, सेम स्विफ्ट मॉडल। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि इंडिया में एक बिल्ड क्वालिटी में ऐसा क्या कॉम्प्रोमाइज़ मारुति कर रही है, ऐसा क्या प्राइस सेविंग कर रही है कि उसको सेफ्टी में NCAP से सिर्फ 2 स्टार मिलते हैं। ये एक डराने वाली बात है और ये मौका है जब हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, ये मौका है जब हम लोगों को इसके ऊपर डिबेट करना चाहिए, मारुति को सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट करना चाहिए। मैं हरास करने की बात नहीं कर रहा, अब्यूज़ करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। मारुति सुजुकी से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि आपका बेस्ट सेलिंग मॉडल है, आप उसमें अपने कंज्यूमर को सेफ्टी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। यूरोपियन मॉडल जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, उसमें 4 स्टार या 3 स्टार सेफ्टी क्यों है और इंडियन मॉडल में सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी क्यों है। 2 स्टार का मतलब है कि इट इज़ अनसेफ, द प्लेटफॉर्म इज़ अनस्टेबल। तो 2 स्टार कोई वो 2 स्टार होटल वाला 2 स्टार नहीं है कि उसका कोई लेवल है। 2 स्टार मतलब इट्स अ फेल्ड प्रोडक्ट एज फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न। मैं बहुत अपसेट हूँ इस टॉपिक को लेके, मैं हैरान हूँ कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ऐसा इंडियन कंज्यूमर के साथ कर सकती है, जहाँ पे इनकी सेल सबसे ज़्यादा है। सुजुकी की मार्केट जापान से ज़्यादा इंडिया में है, सिर्फ 2 कंट्रीज़ में इनकी इतनी बड़ी मार्केट है, इंडोनेशिया और इंडिया। और अगर वहाँ पे अगर इंडिया में वो 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग की कार सप्लाई कर रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ARAI क्या कर रही है। ARAI जो है वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, टेस्टिंग अथॉरिटी है। आई होप ARAI इस NCAP के टेस्ट रिजल्ट्स का नोटिस लेके इंडिया में स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करेगी। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आई होप आप मेरे साथ एग्री करते हैं। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो एक कैंपेन चलाइए, इस वीडियो को शेयर करके मारुति को टैग कीजिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, ताकि मारुति तक ये मैसेज पहुँचे। आप अपने व्यूज़ भी उसमें डालिए,
लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल या एक यूट्यूब वीडियो की तरह ख़त्म मत होने दीजिए। हम अपने साथ ही नाइंसाफ़ी करेंगे अगर हम ऐसा करते हैं। आई होप आप मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।